परमाणु कचरे का क्या होता है? What happens to nuclear waste? दोस्तों, इतना तो आप जानते ही होंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इस दुनिया की सबसे खतरनाक जगह होती है, क्योंकि अगर गलती से भी वहां रेडिएशन लीक हो जाए तब उससे हमारी मौत भी हो सकती है। जब भी किसी न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तब उसके साथ रेडिएशन युक्त बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलता है, जो अगर गलती से भी किसी इंसान की पहुंच में आ जाए तब उसके परिणाम घातक हो सकते हैं। साल 1942 में वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के मार्गदर्शन में इस दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किया गया था, जिसके बाद आज दुनिया भर में बहुत से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि वो दुनिया भर में बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर देश इन्हें स्थापित कराने से बचते हैं, और इसका अहम कारण है न्यूक्लियर वेस्ट और रेडियो एक्टिविटी। हर न्यूक्लियर पावर प्लांट में ताकतवर रेडियो एक्टिव एनर्जी फोर्सेस होती हैं, जिसे बाद में सही तरीके से डिस्पोज करना होता है, क्योंकि ऐसा करके ही हम पर्यावरण और उसमें रह रहे इंसान और जीवों को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में सावधानी के मापदंडों को दरकिनार किया जा रहा है तब ये न सिर्फ उस न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के लिए जानलेवा है, बल्कि इससे बाहरी लोगों को भी नुकसान हो सकता है। 1989 में जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर प्लांट में स्थित सेकेंडरी कूलिंग सर्किट में हल्की सी खराबी आ गई तब इसके प्राइमरी कूलेंट का तापमान अचानक से बढ़ने लगा, जिस कारण इसका कूलेंट पूरी तरह से बह गया। साथ ही इसके कोर को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे हैरिसबर्ग शहर में रेडिएशन लीक हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रेडिएशन लीक से न्यूक्लियर प्लांट के 33 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। हालांकि इस हादसे में ना तो किसी को कोई चोट आई और ना ही बाद में किसी को कैंसर हुआ, पर इस इलाके से रेडिएशन हटाने में करीब 15 साल का समय लग गया। यह हादसा अमेरिका में हुआ अब तक का सबसे खतरनाक परमाणु हादसा था, पर इसके बाद 1986 में यूक्रेन में हुए चेर्नोबिल परमाणु हादसे ने सभी को झकझोड़ कर रख दिया था, क्योंकि इस खतरनाक हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। साथ ही इस इलाके का वातावरण भी बुरी तरह प्रभावित हो गया, जिसमें आज भी कोई नहीं रह सकता। इन हादसों से ये पता चला कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाली रेडिएशन कितनी खतरनाक हो सकती है, जिसके चलते न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाले न्यूक्लियर वेस्ट को सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। आज के मॉडर्न न्यूक्लियर प्लांट वैसे तो कोशिश करते हैं कि उनसे बहुत ही कम मात्रा में न्यूक्लियर वेस्ट निकले और वो ज्यादातर न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकिल कर सके, पर सच्चाई तो यह है कि न्यूक्लियर प्लांट से निकला 4% न्यूक्लियर वेस्ट रिसाइकिल नहीं हो सकता और वो सालों तक रेडियो एक्टिव रहता है। रेडियो एक्टिविटी इंतजार का खेल है, क्योंकि किसी भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल की रेडियो एक्टिविटी वक्त के साथ ही कम होती है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि किसी पार्टिकल की हाफ लाइफ पर उसकी रेडियो एक्टिविटी बहुत ही कम बचती है, पर जहां स्ट्रॉन्टियम 90 की हाफ लाइफ 30 साल की होती है तो वहीं प्लूटोनियम 239 जैसे पावरफुल आर्टिफिशियल न्यूक्लियर आइसोटोप्स की हाफ लाइफ करीब 20,000 साल से भी ज्यादा होती है, जिसके संपर्क में आने से किसी की भी मौत हो सकती है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखें तो वो इस दुनिया के लगभग 31 देशों में ऑपरेट किए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो भी न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसे न सिर्फ विभिन्न देशों की सरकारें रेगुलेट करती हैं, बल्कि मौजूदा समय में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज जॉइंट कन्वेंशन द्वारा भी इसका मैनेजमेंट देखा जाता है, और ये दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम करती हैं। किसी भी न्यूक्लियर वेस्ट की पहुंच में आने से बहुत से खतरे होते हैं, जिनमें कैंसर होना, गर्भवती महिला के बच्चे में जन्मजात बीमारियों, ऑर्गन फेलियर और मौत भी हो सकती है। इस दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और परमाणु हथियारों से आता है, पर मेडिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ साथ नेचुरल रेडियो एक्टिव मटीरियल भी हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट के हम तक पहुंचने के 2 मेन सोर्सेस होते हैं, पहला फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। जब बात फ्रंट एंड न्यूक्लियर वेस्ट की होती है तब वो यूरेनियम एक्सट्रैक्शन से आता है, जिसमें रेडियम होता है। दोस्तों, इसमें से जो डिप्लीटेड यूरेनियम निकलता है
वो बेहद डेंस होता है और इसे अक्सर एंटी टैंक शेल्स में रिसाइकिल कर दिया जाता है। अब अगर बात बैक एंडेड न्यूक्लियर वेस्ट की करें तो ये मुख्य तौर पर स्पेंट फ्यूल रॉड से आता है और ये बीटा और गामा रेडिएशन से पैक होता है। दोस्तों, इन पावरफुल एनर्जीज की हाफ लाइफ बहुत ही ज्यादा होती है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से उत्पन्न होती है। हालांकि दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेस्ट परमाणु हथियारों से ही आता है, क्योंकि इन्हें बनाने में प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है जिसे सेपरेट और आइसोलेट करना बेहद कठिन है, और शायद इसी वजह से न्यूक्लियर वेपन डिस्पोजल इस दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। न्यूक्लियर वेस्ट का क्लासिफिकेशन उसके प्रोसेसिंग और डिस्पोजल का प्रायोरिटी लेवल पता लगाता है। यूरेनियम मिल टेलिंग इस दुनिया का लोवेस्ट प्रायोरिटी न्यूक्लियर वेस्ट है, जो कि यूरेनियम ओर की रफ प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। इनमें हाई लेवल रेडियो एक्टिविटी नहीं होती, पर इनकी हाफ लाइफ बहुत ही ज्यादा होती है। लो लेवल वेस्ट न्यूक्लियर वेस्ट का सबसे सामान्य प्रकार है, क्योंकि ये वो हर चीज होती है जो रेडियो एक्टिविटी के संपर्क में आती है। हम सभी हॉस्पिटल और प्रोसेसिंग प्लांट्स में इस तरह के न्यूक्लियर वेस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि ये वहां इस्तेमाल किए जाने वाले कागज, कपड़ों और फिल्टर्स तक में होती है। अब आती है हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट की बारी, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ही देखने को मिलती है और जिसकी पहुंच में आने से बचने के लिए इंसान को अपने शरीर पर हैजमैट सूट पहनना होता है। दोस्तों, हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट उतना ही एक्टिव होता है जितना आप इसके बारे में सोचते हैं, पर इसको लेकर अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे इसे किसी के संपर्क में आने से रोका जा सकता है। जब किसी न्यूक्लियर फ्यूल रॉड को उसका काम खत्म हो जाने के बाद कोर से बाहर निकाला जाता है, तब वो हाई लेवल वेस्ट बन जाता है जिसकी रेडियो एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा उत्पन्न की गई कुल रेडियो एक्टिविटी का लगभग 95% होता है। दोस्तों, हाई लेवल वेस्ट से बने ज्यादातर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भले ही हाई पावर्ड होते हैं, पर उनकी हाफ लाइफ बेहद कम होती है। लेकिन आइसोटोप्स में प्लूटोनियम की मौजूदगी की वजह से इसको कंटेन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने का सही तरीका क्या है? वेल, ज्यादातर जानकारों की माने तो इसका सबसे सही सॉल्यूशन है जमीन के बहुत अंदर इस वेस्ट को गाड़ देना, जिससे यह हर किसी की पहुंच से दूर हो जाएगा। हालांकि इतना सही तरीका होने के बावजूद कोई भी देश इस तरीके को अपना नहीं पाया, पर फिनलैंड इसके काफी करीब है। न्यूक्लियर एनर्जी वाले ज्यादातर देश इसके लिए अलग तरीके अपनाते हैं, जो सुरक्षित तो जरूर होते हैं पर सही नहीं होते। इनमें से सबसे पहला तरीका है न्यूक्लियर वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देना, जिससे यह पर्यावरण के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन तभी संभव हो पाता है जब इस वेस्ट को प्रोसेस करने के साथ साथ उस फॉर्म में स्टेबलाइज भी किया जाए जब यह अपनी एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज खो देता है। एक बार अपनी एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज खो देने के बाद न्यूक्लियर वेस्ट को स्टील में पैक करके जमीन के अंदर दफना दिया जाता है। इस तरीके को लेकर वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह तरीका भविष्य में हम इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि बहुत से आइसोटोप्स की हाफ लाइफ लाखों सालों तक होती है, इस कारण इनके लीक होने का खतरा अक्सर बना रहता है। 1990 से पहले इस दुनिया के बहुत से देश न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए समुद्रों का इस्तेमाल भी किया करते थे, जिसके तहत ड्रम्स के अंदर न्यूक्लियर वेस्ट को पैक करके समुद्र में छोड़ दिया जाता था। हालांकि जिन इलाकों में न्यूक्लियर वेस्ट को छोड़ा गया था, उन इलाकों में बाद में बहुत ही ज्यादा रेडिएशन देखी गई, जिसके चलते 1993 में एक ट्रीटी साइन की गई, जिसके बाद ओशियन डिस्पोजल पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो न्यूक्लियर वेस्ट को कंटेन करने का सबसे कॉमन तरीका अबव ग्राउंड डिस्पोजल ही है, जिसके तहत न्यूक्लियर वेस्ट को एक स्टील सिलेंडर में एक ऐसी इनर्ट गैस के साथ सील कर दिया जाता है जो उसके साथ रिएक्ट नहीं करती। इसके बाद इन सिलेंडर्स को रेडिएशन शील्डिंग कंक्रीट से ढक दिया जाता है, जिसके बाद ये रेडिएशन प्रूफ ड्रम्स न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास मौजूद स्टोरेज फैसिलिटी में रख दिया जाता है, क्योंकि ये सस्ता और सबसे सरल तरीका होता है। साथ ही इसे फिर से रिसाइकिल करके न्यूक्लियर वेस्ट की समस्या को हल किया जा सकता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि न्यूक्लियर वेस्ट को धरती पर रखना बेहद खतरनाक हो सकता है, इसलिए अब वैज्ञानिकों का ध्यान अंतरिक्ष की तरफ भी गया है, जहां पर रॉकेट्स के जरिए ये न्यूक्लियर वेस्ट आराम से छोड़ा जा सकता है। हालांकि मौजूदा समय में रॉकेट्स इस काबिल नहीं है कि वो इतना सारा न्यूक्लियर वेस्ट अपने साथ ले जा पाए। साथ ही वैज्ञानिकों के सामने ये समस्या भी है, अगर किन्हीं वजहों से कोई रॉकेट किसी हादसे का शिकार हो गया, तब ये उसके पेलोड्स में मौजूद न्यूक्लियर वेस्ट धरती पर गिरकर भारी तबाही मचा सकता है। इसलिए अब वैज्ञानिक इंसानों की पहुंच से दूर के इलाके में धरती के अंदर गहराई में न्यूक्लियर वेस्ट को दफनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे अगर कोई लीक हुआ भी
तब ये इंसानों के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।